मिल गई यहाँ पे। ऐसा तो सीट फुल है, यहाँ पे पानी भर रखा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रखी है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप करता हूँ सारे बढ़िया होगे, मस्त होगे, चंगे होगे। तो फिलहाल आज का सीन ये है कि मेरा आज डे वन है कॉलेज का। आज मैं थोड़ा फॉर्मल लुक लिया है दोबारा से, जैसे आपने मंगवा थोड़ी सी शर्ट चेंज करी है और तब कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। बट हाँ, मेरे को फॉर्मल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये पहनना सोचा कि मैं डे वन पे फॉर्मल पहन के जाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बैग रखा है यहाँ पे, मैंने बैग पैक करके बिल्कुल हर चीज़ परफेक्टली रख दी है। जितना परफेक्ट मैं कर सकता था उतना मैंने परफेक्टली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है कॉलेज के डे वन के लिए। तो फिलहाल आज जो जो भी फ्रेंड्स बनेंगे या जो पुराने दोस्त हैं जो आ रखे हैं उनसे ही मिलाऊंगा, और जो थोड़े बहुत अगर नए दोस्त बने तो उनसे ही मिलाऊँ। फिलहाल स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, डे वन के लिए मेरा टीका पीठा हो चुका है। लाल बस के लिए देखते हैं कहाँ, मतलब बस आने वाली है, टाइमिंग कुछ पता नहीं है, तो हम आधा घंटा जल्दी जा रहे हैं। इधर है ये गाड़ी है, गाड़ी से चलते हैं फिलहाल। तो यहाँ से मतलब मैं जो बस स्टॉप है वहाँ तक जा रहा हूँ, कार से पापा लेके जा रहे हैं, उसके बाद तो आगे से मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा। बस भाई मम्मी और नानी यहाँ खड़े हैं बाय बोलने के लिए। थैंक यू थैंक यू। गाइस, मैं बस में बैठ चुका हूँ अभी फिलहाल का, तुम नहीं है मेरे साथ, कोई बैठा नहीं है। थोड़ा सा मेरे को बुरा लगता है बट कोई बात नहीं, चलता। थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी बट स्टिल, फिलहाल अभी मैं थोड़ी देर, इतना लंबा रास्ता है तो मैं एडिटिंग कर लेता हूँ बैठ, जिससे आपको ब्लॉग्स टाइम टू टाइम मिलता है। तो गाइज, मैं बस से उतर चुका हूँ, नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई कॉलेज। पहला दिन है, थोड़ा एक्साइटमेंट तो है बट स्टिल कोई नहीं चलता है सब कुछ। भाई ये रहा अपना कॉलेज, यहाँ से सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं वैसे तो, बट हाँ मुझे नहीं पता भाई फर्स्ट ईयर के कौन बच्चे हैं क्या है, तो मैं बस ऐसे ही वेला चल रहा हूँ। देखते हैं, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, क्योंकि करना तो है ही भाई, नहीं हो पाएगा तो देखी आएगी भाई। फिलहाल अंदर चलते हैं, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, देखते हैं भाई क्या होगा। अच्छा, मेरे पेरेंट्स यहीं पर खड़े हैं, देखो मम्मी पापा पहले से आ रखे हैं कॉलेज में। हेलो, हम तो पहले पहुंच गए आपसे। हाँ वो तो भाई, बस भाई कितने लंबे रास्ते से आई है बस। तो भाई अब घुस रहा हूँ मैं कॉलेज के अंदर, थोड़ा सा भाई बढ़िया लग रहा है स्टूडेंट्स को देख के। किधर चलना है पूछते हैं किसी से, वैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे जा तो रहे हैं बट स्टिल देखते हैं जी। थर्ड फ्लोर पे, ओके चलो भाई थर्ड फ्लोर पे को भेज दिया है, स्टूडेंट के साथ में जाता हूँ भाई। यहाँ पे बच्चे आते जा रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है क्या होने वाला है, तो देखते हैं। लाल ट्राई करता हूँ नए दोस्त बनाने का। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं भाई, 9 बजे कह रहा हूँ, 9 बजे से बैठे हैं, 12 बजने वाले हैं भाई। यहाँ पे बस यही चल रहा है, कोई पहले कोई टीचर, कभी कोई टीचर, कभी कोई टीचर। और ऐसा लग रहा है कि भाई खाना खा लूँ मैं बस बैठ के, यहाँ पर टिफिन रखा है बैग में बट नहीं खा सकता।
अब लगता है शायद खत्म, बट लेट्स सी खत्म हुआ है नहीं। बहुत टाइम हो गया यार, पहले 12 बजे बताया था, अब 1 बज चुका है, एक से ज़्यादा होने वाला टाइम, देखते क्या हुआ। चलो भाई फाइनली खत्म हुआ भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, मज़ा सारे उठने से हो जाएंगे। एक तो ये भाई क्या यार, मतलब उठने भी नहीं दे रहे। गाइस अब फिलहाल हो चुका है, यहाँ से तो हमें भेज दिया, देखते हैं बाहर, एक दो दोस्त हैं वैसे उनसे मिलते हैं, भाई भी है, देखते हैं क्या होगा। कॉल वॉल करके पूछना तब तक के जरा, कि आज मेरा ब्लॉग थोड़ा अजीब सा बना है, अच्छा बना नहीं है, पूरे टाइम हम एक क्लासरूम में बैठे थे बस, और कुछ ऐसा कुछ फन तो हुआ नहीं, बस कोई बात नहीं। भाई साहब यहाँ भी स्कूल है, लाइन में चलना है, ये करना है वो करना है, साला कॉलेज वाली फील नहीं आई अभी तक मेरे को। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो है बट कोई ना, सब हो जाएगा। यार मैंने कुछ भी नहीं खा रखा, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, ब्रेकफास्ट जो है वो सब बैग में रखा है, अब खाना मेरे को है ही, खाना तो खाना ही है, खाना भी खाना है, और भाई कैंटीन भी चलना है, अब देखते हैं, पहले भाई मिल गया तो अच्छा है, वरना देखते हैं क्या सीन रहेगा। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, भाई कोई मिले ना मिले, एक लड़का तो मिला है भाई। हाँ भाई क्या हाल है, बढ़िया भाई, बढ़िया 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 भाई ब्लॉगर। भाई कोई भी नहीं मिल रखा अभी तक, कोई भी नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, पता नहीं क्या सीन है। बोर्ड लगा दे यार, लगाना पड़ेगा भाई, बोर्ड लगाना पड़ेगा भाई। क्या अभी बस इस कब तक स्टार्ट होंगी पूछना पड़ेगा जरा, इतने कॉल करे भाई, भाई तो मिला नहीं मेरे को उसको भाई, अरे मेरा कजन ब्रदर नहीं मिला मेरे को ना, क्या छोड़ो भाई, मेरे को तो लग रही भूख, दोनों को ही लग रही है ऐसा, हम दोनों को भाई अब कैफेटेरिया चलते हैं, मैं आपको भाई समझ देती हूँ। अभी फिलहाल हम चलते हैं कैफेटेरिया, थोड़ा ढूंसेंगे मतलब जहाँ कहाँ है मुझे नहीं पता कैफेटेरिया कहाँ है, बस मैं चल ही रहा हूँ। यहाँ था तू, मैं इसी के बिल्कुल ऊपर भाई, आगे चलते रहते हैं। स्टाफ एरिया है कैफेटेरिया का, कैंटीन है यहाँ पे, अलाउड नहीं है अपन लोग को जाना, देखते हैं भाई सीट मिल गई यहाँ पे, वैसे तो सीट फुल है यहाँ पे, बट अगर सीट मिली तो बैठेंगे खाएंगे, वरना खड़े खड़े खाना पड़ेगा जैसे लोग खा रहे हैं भाई। भाई बहुत भीड़ है, चल देखते हैं कैफेटेरिया में तो जगह मिली नहीं, अब अपन लोग आए हैं दोनों के दोनों, एक छोटा सा कैफे है बोस्टन कैफे बिल्कुल उसके सामने है, कराफे करा के भाई देखते हैं क्या खाएंगे फिलहाल। भाई खाना वाना खा लिया है तो भाई देखते हैं भाई बस की तरफ चलते हैं, अभी खाना वाना हम दोनों ने खा लिया है, ऐसे तो साले कुछ था तो है नहीं उसके पास खाने लायक, कुछ भी नहीं था भाई, बट जो था हमने खा लिया, तो फिलहाल अब हम लोग चलते हैं आगे, चला पता चलेगा भाई क्या सीन रहेगा, जैसा भी अगर बस लग गई होगी तो भाई बस में बैठ जाऊँगा मैं, चले जाऊँगा घर, पता ही तो नहीं कौन सी बस है भाई, मैं तो चल मेरे को तो पता ही है, खैर मेरे को तो ढूंढनी पड़ेगी, मैं तो प्राइवेट, तू पहले से उसमें देखता ना क्या बोलते हैं, प्राइवेट से चले जाएंगे यार घूम फिर के, वैसे तो बात वो भी सही है बेटा, घूमती तो ये भी बहुत है, रुक रुक के चलती है बहुत बस है। ऐसा था 8 बजे चली गई थी और यहाँ मैं 9:15 बजे पहुँचाऊँ, और मैं घर से निकला था जब तेरा फोन कर रहा था, 15 मिनट बाद मैं निकला, और अब मुश्किल था 2 घंटा लगा मेरे को, तो तू तो फिर भी लेट आया भाई, यहाँ तो मैं 9 बजे से बैठा हूँ, 9 से 12 बहुत होता है, 10:30 बजे लगी तो नहीं है वैसे बस अभी तक, हाँ कल से ही है ये जल्दी, कल से आयो भाई बस में, भाई जितने भी कैजुअल्स में हैं सारे फ्रेशर्स हैं हमारी तरह, मैं कुछ बच्चों ने ड्रेस भी ले ली भाई, कुछ लोगों ने ले ली, बट ज़्यादातर लोग सिंसियर बच्चे हैं भाई, वो हम नहीं है ना भाई सिंसियर,
नहीं है भाई, हम कहीं नहीं पड़े। लग तो गई, बच्चे बैठ गए, ये तो पहले की लगी हुई। हाँ देखिए जरा पता करें वही बस में चलते हैं, पता नहीं कौन सी नंबर है। मतलब अपने घर पे उतार दे मेरे को, वही बहुत कर रहे हैं अभी बच्चे। वैसे तो बस भर चुकी है वाली, कहाँ देखते हैं, बहुत टाइम लगता है यार फालतू में, कुछ भी नहीं हुआ आज और बस खाली वेस्ट हुआ टाइम मेरे को जो लगता है। थंबनेल से बिल्कुल अलग है, थंबनेल में कुछ और ही दिख रहा है और है कुछ और ही सी। जी भाई, हाँ जी, पानी भर रखा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है, पीछे बहुत पानी भर रखा है हमारी, कम से कम नहीं तो बस ये पूरे पूरे टायर डूब रखे होंगे। नहीं भाई आदत नहीं, भाई आदत है मेरे को, वैसे ट्राइपॉड तो मैंने अंदर रख दिया टायर भाई। फिलहाल भाई रूट इतना लंबा है ना, बहुत लंबा है भाई, गाड़ी लिटरली डूब रखी है सारी की सारी। हाँ तुम लोग के आ चुका है मेरा और पहला दिन अभी यहीं समाप्त होता है, बाकी मैं व्लॉग एंड करूंगा घर जाके। हाँ अब चलते हैं फिलहाल घर, अभी मैं फिलहाल पैदल पैदल चल रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो भाई आज का दिन थोड़ा सा, मतलब मेरे को लगा था कि आराम से दोस्ती वस्ती हो जाएगी, मज़ा आएगा फुल, बट लोग थोड़ा सा, मतलब सब लोग थोड़ा सा, मतलब अभी रिस्ट्रिक्टिव हैं, थोड़ा सा नहीं चले। कुछ लोग भले ही अच्छे हैं, कुछ लोगों से बहुत अच्छे से बात हुई, बट कुछ लोग थे जिनने बात नहीं करी, बट कोई ना, सब धीरे धीरे सॉर्ट हो जाएगा। अभी तो ओरिएंटेशन हुई नहीं है, अभी ओरिएंटेशन होगी, जब ओरिएंटेशन के बाद क्लासेस मिलेंगी देन आई थिंक सो सब सेटल हो जाएगा। फिलहाल भाई घर पहुंचने वाले हैं, येरा घर। ओह थक गया हूँ चलते चलते, इसलिए सांस फूल रही होगी मेरी बोलते हुए, बट कोई ना, अपन हैप्पी हैं कि भाई हम ना आ चुका हूँ कॉलेज में। वो भाई कॉलेज पर आए, नानी वेट कर रही है मेरे वहाँ पे भोरी। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं एंड करता हूँ, करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग, और शेयर करते रहना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितना मुझे सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नए ब्लॉग्स मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय। मतलब होता ही है, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है यार। हम यहाँ बैठे रहेंगे।